करना होता, आपने जो है ना वो बस वेट करना, आपने पेशेंट खुद ही डिलीवर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ब्रीच की टाइप्स कितनी होती हैं? एक्सटेंडेड फ्लेक्स, फ्लेक्स एक्सटेंडेड और फुटलिंग, ठीक है। जो फ्लेक्स ब्रीच होती है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिलीवर होती है, हम जितने भी मैनोवर्स करते हैं ना वो एक्सटेंडेड ब्रीच के लिए करते हैं, ठीक है। और फुटलिंग ब्रीच होती है वो कभी भी नॉर्मल डिलीवर नहीं होती, इसमें आपने सेक्शन ही करना होता है, ठीक है। अच्छा ब्रीच में जो है ना, अच्छा इसमें जो आप फ्लेक्स से एक्सटेंडेड ब्रीच किस लिहाज से कहते हो, फ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ नी ज्वाइंट, अगर नी ज्वाइंट पर फ्लेक्शन होगी ऐसे होगा तो ये फ्लेक्स ब्रीच होगा, अगर ये ऐसे जैसे ये है ना ऐसे, अगर ये बिल्कुल सीधा है ना तो ये होगा एक्सटेंडेड ब्रीच, अगर ये लेग्स नी जॉइंट पे फ्लेक्स्ड होंगी तो ये फ्लेक्स ब्रीच होगा, ठीक है। जगह सबको नजर आ रही, छोड़ दो ना जगह, अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक्सटेंडेड ब्रीच है ना, अगर ऐसे, ठीक है, ब्रीच में सबसे पहले आपने वही कहना है, आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट टेकिंग रूलिंग आउट ऑल द कॉन्ट्राइंडिकेशन आई विल टेक इन फॉर्म कंसेंट, आई विल पुट द पेशेंट टू द, आई विल शिफ्ट द पेशेंट टू द सेकंड स्टेज एंड विल पुट पेशेंट इन लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। ब्रीच की ना कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि कौन सा ब्रीच जो है वो डिलीवर हो सकता है। एक तो मैंने आपको टाइप्स बता दी कि फ्लेक्स और एक्सटेंडेड दोनों वजाइनली डिलीवर हो सकते हैं। एक जो है ना लाइकर जो है ना वो पेशेंट का लाइकर शुड बी एडुकेट, ठीक है। जो एस्टिमेटेड फीटल वेट है शुड बी लेस दैन 3.5 kg, मतलब 3.5 kg ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेल्विस शुड बी एडुकेट, ठीक है। और जो आपको ना टाइप ऑफ ब्रीच पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना एक उसमें आया था कि एटीट्यूड होता है फीटल नेक का, ठीक है। वो स्कैन पे पता चलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे इतना अच्छा कोई स्कैन पे नहीं वो पता चलता। एटीट्यूड ऑफ द फीटल नेक जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो है ना वो आपने ब्रीच, अच्छा और आपने पेशेंट को कब देखना है कि एक आपने लाइन भी याद रखनी है, वैन द ब्रीच क्लाइम्स अप द पेरिनियम। क्लाइम्स अप द पेरिनियम का क्या मतलब है कि जब बटक्स होंगे ना बेबी के वो पेरिनियम को डिस्टेंड करना शुरू करेंगी, ठीक है। वैन द ब्रीच क्लाइम्स अप द पेरिनियम आई विल इन्फिल्ट्रेट द पेरिनियम विद लोकल एनेस्थीजिया, जो हम लिग्नो केन देते हैं, ठीक है। अच्छा जब ब्रीच जो है ना वो डिस्टेंड कर रहा होगा आपने एनेस्थीजिया दे दिया, साथ ही आपने एपिजियोटमी दे दी, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है हेड जो है वो बड़ा पार्ट है, आप एपी नहीं दोगे ना तो वो पे हेड जो है वो उसके फंसने का खतरा है, ठीक है। आपके पास एडिक्वेट उधर से आपने मेनोवर्स भी करने हैं तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जब जो है ना वो अच्छा आपने एपिजियोटमी दे दी, ठीक है। एपिजियोटमी देने के बाद जो है ना आपने वेट किया, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर ब्रीच फ्लेक्स होगा तो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा, अगर ब्रीच एक्सटेंड होगा तो इस पर आपने क्या करना है, आपने करना है पिनार्ड मेनोवर, ठीक है। पिनार्ड याद रखना, पिनार्ड मेनोवर। पिनार्ड मेनोवर में क्या होता है कि आपने ना आई विल पुट द प्रेशर इन द पॉपलीटियल फॉसा, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रेशर अप्लाई करना है, या आप सारे नीचे से करोगे वो वैसे ही, मैं अब डोमेन खुला नहीं होगा पेशेंट का। आई विल पुट द प्रेशर इन द पॉपलीटियल फॉसा एंड आई विल फ्लिप द लेग आउट, ठीक है। ऐसे करके आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है। और दूसरी लेग जो है ना उसको भी आपने ऐसे, आई विल अप्लाई द प्रेशर इन द पॉपलीटियल फॉसा एंड सेकंड में आपने ये बोलना आई विल डिलीवर द लेग इन द सेम अदर लेग इन द सेम मैनर, ठीक है। ये एक्सटेंडेड का होगा ना, फ्लेक्स खुद ही डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देन क्या होगा, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अंटिल द अम्ब्लाइकल कॉर्ड इज विजिबल, ठीक है। जैसे अम्ब्लाइकल इसकी है, अम्ब्लाइकल कॉर्ड जैसे जैसे इस बेबी की ना अम्ब्लाइकल कॉर्ड विजिबल होगी ना, आपने अम्ब्लाइकल कॉर्ड को लूज करना है, ठीक है, ताकि बेबी को हाइपोक्सिया ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। लूज करने के बाद भी आपने कहना आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अंटिल द एंगल ऑफ द स्कैपुला इज विजिबल, ठीक है। ये होता है ना एंगल ऑफ द स्कैपुला विजिबल, जब स्कैपुला विजिबल होगा, ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ना आपने जो है ना, अच्छा अब बेबी के आर्म डिलीवर कराने हैं आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, आई विल अप्लाई, आई विल परफॉर्म लॉफ सेट मेनोवर, ठीक है। लॉफ सेट मेनोवर में क्या होता है कि ना आपने जो है ना बेबी के एक्सटेंड, जैसे ये आर्म्स है ना बेबी के, अगर तो बेबी के आर्म्स ऐसे सीधे होंगे वो खुद ही डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन अगर एक्सटेंडेड होंगे ना तो उसमें आपने क्या कहना है, आई विल अप्लाई द प्रेशर इन द क्यूबिटल फोसा एंड आई विल डिलीवर द आर्म बाय स्वीपिंग अक्रॉस द चेस्ट, ठीक है। बेबी अच्छा आपने ना इसमें जो है ना बोन्स बहुत बेबी की वो जाहिर बात है सॉफ्ट सी होती हैं, तो कोशिश करनी है कि बोन बेबी की ना कोई आप रप्चर कर दो, ठीक है। तो आपने जो है ना आर्म को यू स्वीप अक्रॉस द चेस्ट करके आपने डिलीवर कराना है, ठीक है, उसको ऐसे खींचना नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो है ना दूसरा आर्म भी इसी तरह जो है ना वो आपने डिलीवर करा लेना है, ठीक है। जैसे इसमें था ना कि पॉपलीटल फोसा में आप प्रेशर अप्लाई करो, उसमें आपने क्यूबिटल फोसा में प्रेशर अप्लाई करके आर्म को अक्रॉस द चेस्ट करके डिलीवर, इसको कहते हैं लॉफ सेट मेनोवर। हो गया होगा ना, हाँ
ठीक है. उसके बाद आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट यू जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन अंटिल द नेप ऑफ द नेक इज विजिबल. ठीक है, ये नेप ऑफ द नेक है. नेप ऑफ द नेक पे आपने क्या करना है, आपने बेबी को जो है हेड डिलीवर कराना है. अब हेड को डिलीवर करने के ना 3 मेनोवर्स होते हैं. एक होता है बर्न्स मार्शल. ठीक है, बर्न्स मार्शल में आप क्या करते हो कि ना बेबी के लेग्स यूँ पकड़ते हो, ठीक है, और ऊपर से आप यूँ प्रेशर अप्लाई करके ना, मतलब ताकि हेड फ्लेक्स रहे, ठीक है, और इसको यू करके और ऑन द ऑन टू द मेटरनल एब्डोमेन आप डिलीवर करा देते हो. इसे कहते हैं बर्न्स मार्शल. दूसरा होता है स्मेली वीट मेनोवर. स्मेली वीट मेनोवर्स में आप क्या करते हो कि ना आप अपनी एक ये वाली जो मिडिल फिंगर है इसको आप नेप ऑफ द नेक पे रखते हो और इन दोनों को आप यहाँ रखते हो. मैं आपको ना बाहर निकाल के बता देती हूँ ऐसे, ठीक है. और जो फ्रंट पे होगा ना उसको आपने एक जो सेंटर वाला ना इसको आपने फिल्ट्रम पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरे जो है ना इन दोनों को यहाँ पे रखना है मेलर इधर जो उसकी एमिनेंस होगी मेलर एमिनेंस पे, ठीक है. और इसमें भी आप क्या कर रहे हो, हेड को फ्लेक्स कर रहे हो यू करके. जब आप फ्लेक्स करोगे तो हेड डिलीवर हो जाएगा. इसे क्या कहते हैं, लॉफसेट मेनोवर. स्मेली वीट मेनोवर, ठीक है. और जो थर्ड होता है ना वो होता है पाइपर फोर्सेप. ठीक है, पाइपर फोर्सेप जो है ना वो हमारे पास नहीं होते, तो मैं आपको इसी से बता देती हूँ. ये है ना फोर्सेप, इसको आपने पहले लगा के रख लेना इन फ्रंट ऑफ द मटर्नल एब्डोमेन, ये ऐसे, ठीक है. ये है ना हेड, ठीक है. इसमें आपने जो है ना इसको होल्ड करना है लाइक का, ठीक है. और आपने ना इसको जैसे ये है ना इसको नीचे से लगाना है ताकि इजीली लगे. और आपने ये वाला हाथ जो है ना ये इसके साथ रखना है ताकि कोई इंजरी ना हो. ठीक पीछे वालों को ये आपने अपने असिस्टेंट को पकड़ा देना है. ठीक, ये पकड़ो इसको. अच्छा, आपने सिस्टम को पकड़ा दिया, ठीक है. फिर आपने ये वाला भी ऐसे ही अप्लाई करना है, ठीक है, मतलब ये वाला हाथ ऐसे रख के और फिर उसके बाद आगे कोई इंजरी ना हो मैटरनल टिश्यू को. मैम ये तो इससे नहीं इंजरी हो सकती हेड को. नहीं, हेड को नहीं इंजरी होती. हाँ, आप ऐसे, ठीक है, ये लॉक हो गए, ठीक है. फिर उसके बाद आप इसको डिलीवर करा लो, ठीक है. अब इसका आपने क्या बताया था, ठीक है. उसके बाद जो है ना वो आपने बेबी डिलीवर हो गया, आपने 1 मिनट के लिए वेट किया जो अर्ली इसेंशियल न्यू बॉर्न केयर होती है, ठीक है. और पल्सेशन जब स्टॉप हो जाएंगी तो फिर आप अम्ब्राइकल कॉर्ड कट करके आप बेबी को पेडियाट्रिशियन के पास हैंड ओवर कर दोगे. उसके बाद आपने सारे देखने, कोई टीयर तो नहीं है, कोई लेसरेशन तो नहीं है, एपिजोटमी आपने स्टिच करनी है. और उसके बाद आपने जो है ना पीपीएस के लिए देखना है. थर्ड स्टेज आप कंप्लीट करोगे, प्लेसेंटा डिलीवर हो गया. उसके बाद जो है ना वो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो अपनी उस पर डॉक्यूमेंट करोगे डेट टाइम के साथ, ठीक है. समझ आई है.